भारतीय जनता पार्टी सभी से सुझाव ले रही है और उन सुझावों के साथ एनडीए गठबंधन में बैठ करके सभी को समाहित करके जो भी घोषणा पत्र हमारा होगा उसका पालन सभी दल मिल करके करेंगे और सभी दलों के साथ समन्वय बनेगा, उसके बाद सारे काम होंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, हमारे दुर्भाग्य से सरकार नहीं बन सकी, फिर भी हम सभी ने बहुत कार्य करने का किया है। यह हमारा एक यह अभी जो हम लोगों ने किया यह हमारा विजन डॉक्यूमेंट है जो कि सरकार बनने के बाद इन कार्यों को हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। एनडीए गठबंधन के जब सीटों की घोषणा होगी उसके साथ सभी बातें आप सबों के सामने आ जाएंगी और घोषणा पत्र सभी के अनुरूप बनेगा। इसका आप इंतजार कीजिए, जब सीटों की घोषणा होगी सबसे पहले आप सबों के साथ पत्रकार सम्मेलन करके हम लोग करेंगे। सभी कुछ क्लियर हो जाएगा, हम अच्छे सुझाव ले रहे हैं और अच्छे सुझाव जहां से भी आए, जिसके द्वारा भी आए, जिस संगठन के द्वारा आए, सभी जिस दल के द्वारा आए, अच्छे सुझाव सभी के जगह लेंगे और उन सभी को समाहित करके तब हम अपना फाइनल एक संकल्प पत्र का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अच्छे सुझाव जिस दल से आए उनका स्वागत है, एनडीए के जिस घटक से अच्छे सुझाव आएंगे उन सभी पर एनडीए गठबंधन विचार जरूर करेगी। देखिए, हर पार्टी का और हर दल का अपना एक संकल्प पत्र होता है। 2015 में दूसरी परिस्थितियों में चुनाव हुए थे और आज एनडीए गठबंधन के तहत यह चुनाव हो रहा है और एनडीए गठबंधन के जो भी निर्णय होंगे और जिनके भी द्वारा निर्णय होंगे वह सभी दल उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय मोदी जी ने बिहार के किसानों को हमेशा एड्रेस किया है, 6 लाख करोड़ रुपए अभी तक हम किसानों में बांट चुके हैं, जो बिहार के अगर बजट से तुलना करें तो उससे भी लगभग 3 गुना ज़्यादा बजट हमने किसानों को बांटा है, किसानों को दिया है, जिससे कि वह अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सके। भारत के विश्व के इतिहास में कहीं कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहाँ 6 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जाए जिससे कि वह भविष्य की अपनी तैयारी कर सके। नए किसान बिल पर भी बिहार का विपक्ष सरकार को घेर रहा है। एबीपी का क्वेश्चन है, एबीपी क्वेश्चन हो रहा है, एबीपी को लेने घूम रहा है। सर, एमएसपी अभी मिल नहीं पा रहा है, बहुत सारे किसान शिकायत कर रहे हैं कि कम प्राइस पे, कम दाम पे अपनी फसल बेचनी पड़ी, तो उनको एक तरह की व्यवस्था क्या है? इसकी एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। पैक्स के जो प्रतिनिधि होते हैं वह स्वयं किसान खुद चुनते हैं, पैक्स का जो अध्यक्ष होता है और सारी बताइए, आप ही बता दीजिए। आप सबों को मालूम होगा कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वैसी कोई बात है नहीं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के हित में जो 3 विधेयक लाए गए हैं इससे किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे जाकर के, और यह पहली सरकार आज़ादी के बाद जाकर के है जो किसानों की चिंता की है, किसानों की आय दोगुनी हो जाकर के, किसान अपनी फसल देश के किसी हिस्से में जाकर बेच सकते हैं, व्यवस्था बनाई गई है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी जाकर के, उसमें किसान यदि कॉन्ट्रैक्ट करता है व्यवसायी के साथ और मान लीजिए उस समय जो रेट है और बाद में दाम बढ़ जाता है बाजार में तो उसको बढ़ा के देना होगा व्यवसायी। एक अच्छी व्यवस्था है, अभी लोकसभा में पारित किया गया है, हम बिहार में स्वागत, बिहार किसान स्वागत कर रहे हैं। हमने 2000 सरकार में 2005 में जब आए थे उस समय भी हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो निश्चित तौर पर जो 3 विधेयक हैं किसानों के हित में जाकर के हैं। विपक्ष के लोग बेवजह गुमराह कर रहे हैं और एमएसपी की बात रही है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रहेगा, उसमें कहीं अंतर नहीं आएगा। अब बिहार में देख लीजिए, जो रबी के मौसम में गेहूं का फसल था
तो सहकारिता विभाग जो हमारा जो पैक्स है व्यापार मंडल है उनके द्वारा धान क्रय किया जाता है। 30 लाख मेट्रिक टन का हमारा लक्ष्य था जा करके, गेहूँ में भी था, लेकिन बिहार में उससे अधिक दाम मिला। 1900 रुपये क्विंटल हम लोगों ने किसानों के यहाँ पर गेहूँ बिके हैं जा करके। तो MSP रहेगा, यदि MSP से अधिक में भी कुछ जाएगा किसान बेचना जा करके तो लोग थोड़ी रहेंगे जा करके। तो उदाहरण बिहार है, हम लोग रबी के मौसम में 23,70,000 हेक्टर में 22,70,000 हेक्टर में हमारा लक्ष्य था बिहार में। उस लक्ष्य के हिसाब से गेहूँ का बिहार उत्पादन हुआ था, पर बिहार किसानों को अच्छा मूल्य मिला। आगे भी अब विश्वास दिलाते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं जाकर, विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। और अब विपक्ष जब देख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, उस दिशा में किसान को लाभ हो रहा है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आज़ादी के बाद पहली सरकार है बिहार में 75 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से राशि भेज रहे हैं, और देश में 9 करोड़ किसानों के खाते में खाद के लिए, बीज के लिए, दवा के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पहली सरकार है। तो तीनों विधेयक जो है इसका हम स्वागत करते हैं। बिहार किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जा करके हैं, हम बिहार किसानों की ओर से हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं जा करके कि यह एक क्रांतिकारी कदम आपका है। जो काम कांग्रेस 50 साल में नहीं किया है आपने किसानों के लिए किया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते, धन्यवाद देते हैं। बिहार में विकास की उम्मीद, बिहार में विकास की उम्मीद उसी व्यक्ति से होती है जो विकास करता है। आप खुद देख रहे हैं कि बिहार में 2 गठबंधन काम कर रहे हैं। एक हम खुल करके बोल रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, 15 वर्षों में हमने जो काम किया है उस आधार पर हमें वोट दीजिए। और दूसरा गठबंधन है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाने में शर्म महसूस कर रहा है। आप पूरे बिहार में उस गठबंधन के नेता की तस्वीर देखिए, वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तस्वीर नहीं लगाता है, वह अपने पूर्व मुख्यमंत्री की भी तस्वीर नहीं लगाता है। तो यहाँ पर केवल धोखा देने का काम विरोधी दल कर रहा है। जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के तस्वीर लगाने में शर्म महसूस हो, इसी से पता लगता है कि उनके समय में क्या कार्य हुआ था। हम जब अच्छा विकास कर रहे हैं तो उम्मीद हमसे है, और हमसे जब उम्मीद है तो हर जगह हमसे ही जनता बोलेगी। जिससे कोई उम्मीद नहीं है उससे चर्चा कौन करेगा। देश में हम कहना चाहेंगे लोकतंत्र है, सबको अपनी बातें करके आ जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी का भी जनसंपर्क अभियान चल रहा है, पार्टी ने तय किया था सभी माननीय सांसद माननीय विधायक माननीय मंत्री गाँव में जाएंगे। हम लोग गए थे और अपने केंद्र सरकार को उपलब्धियों को व्रत रहे बिहार सरकार का, तो राजनीति का एजेंडा है नहीं जाकर। वो चाहते थे जंगल आज बिहार में आया करके हमारी सभा को बाधित करने का प्रयास किया था। तो मंच पर हम सभा जब कर रहे थे तो लाठी लेकर झंडे लेकर उड़वाए थे और लालू यादव को रिहा करो, लालू यादव जिंदाबाद प्रेम कुमार मुर्दाबाद कर रहे थे। तो हम कहा भाई मैं न्यायालय तो नहीं हूँ, तुम तो रिहा करने के लिए आए जाकर। हम भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को बताने के लिए आए जाकर। तो डेमोक्रेसी में मान लेते हैं कि हम किसी की सभा में थोड़ी ज्यादा बाधा पैदा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सभा थी और वह औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा क्षेत्र के अपना चापर गांव जाकर, चपरा गांव है उसी गांव में गया था। तो सभा हो रही थी और 50 की संख्या में आया, अटैक करना चाहे जा करके। हम लोग बार बार पुलिस के प्रयास से बचे हैं जा करके। तो क्या लोकतंत्र हिंसा का स्थान है? तो आरजेडी के लोग थे, उनको फिर चाहते जंगल आज जाना बिहार में, तो कदापि बिहार की जनता उन्हें नहीं होने देगी जा करके। बिहार में कानून का राज्य है, कानून को हाथ में लेने का काम जो करेगा उसके खिलाफ सब कार्रवाई की। मेरा एक ही प्रश्न, मेरा विरोधी दल से एक ही प्रश्न है कि ऐसा क्या काम उनके पिताजी ने किया है, उनकी माताजी ने किया है कि उनके तस्वीरों में उनके पिताजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस दल के और उनकी माताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी भी तस्वीर देना वह उचित नहीं समझते। यह अपने आप में बताता है कि हमारे विरोधी दलों ने क्या किया। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।